हिमाचल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मंडी जिला में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें। 24 घंटे जारी रहेगी आपातकालीन सेवाएं। कोरोना वायरस के खतरे से बचाव के लिए मंडी जिला ने तुरंत प्रभाव से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। जिले में आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे जारी रहेंगी। अगले आदेशों तक पूरे जिले में ये व्यवस्था लागू रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता अश्विनी भारद्वाज की खास रिपोर्ट, लाइट ऑफ नेशन न्यूज, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से बचाव के लिए जिला मंडी में हमने फैसला लिया है कि पूरे जिले में इमीडिएट बेसिस पे कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पाए। इस कर्फ्यू के लिए सिर्फ सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक समय दिया जाएगा, जहां पर कि लोग अपनी जो आवश्यक चीज़ें हैं, ग्रोसरीज, ब्रेड, मिल्क इत्यादि, उनको लेने के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं। ये आदेश जो है वो फर्दर ऑर्डर्स तक लागू रहेंगे पूरे ज़िले में। लोगों की सुविधा के लिए इस कर्फ्यू के दौरान सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक ग्रोसरी, मिल्क, ब्रेड इस तरह की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, और लोग भी इन्हीं दुकानों में इस समय सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक निकल सकते हैं और अपनी चीज़ें ले सकते हैं। पर इसमें भी ध्यान रखने की बात रहेगी कि 5 से ज़्यादा लोग कहीं पर भी एकत्रित ना हो। लोगों की सहूलियत के लिए सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक आवश्यक जो दुकानें हैं, जिसमें कि ग्रोसरी, मिल्क, ब्रेड, फ्रूट, वेजिटेबल, ये खुली रहेंगी, और लोग भी इन दुकानों में सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में ही बाहर निकलकर अपना सामान ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो केमिस्ट की दुकानें हैं ये भी इसी दौरान खुली रहेंगी, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो वो हॉस्पिटल जो है वो 24 घंटे खुला रहेगा, वहाँ पर लोग अपना उपचार कर सकते हैं। दिस इज सेवन लाइंस क्रो एंड यू वॉचिंग लाइट ऑफ नेशन। आप देख रहे हैं लॉन्ग न्यूज़।